जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश में सभी पार्टियां अलर्ट हो गई हैं। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश संगठन को और मजबूत करने के लिए बीजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव को हरियाणा प्रदेश मंत्री नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद से मनीष यादव भी इस संगठन को मजबूत करने के लिए जी तोड़ मेहनत ग्राउंड पर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीष यादव के गांव के लोग भी हरियाणा बीजेपी का धन्यवाद कर रहे हैं। शनिवार को मनीष यादव के गांव सिकंदरपुर के लोगों ने मनीष यादव का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। पूरे गांव के लिए बहुत गर्व का विषय है और मैं पूरे गांव की ओर से पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो मान सम्मान पार्टी ने मुझे और मेरे गांव को दिया है उसके लिए पूरा गांव आभारी और ऋणी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने गांव का गौरव बढ़ाने का काम, अपनी पार्टी और प्रदेश का गौरव बढ़ाने का काम करूंगा। आप सब मीडिया छायाकार मित्रों का यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा। देखिए, पार्टी ने मुझे प्रदेश मंत्री का दायित्व सौंपकर मेरे युवा मोर्चा के जो 5 साल का कार्यकाल है उसको आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रदेश में जिम्मेदारी दी है और मैं पार्टी का गौरव और पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए मेहनत करके काम करूंगा। वहीं आपको बता दें कि मनीष यादव ने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मान सम्मान मुझे नहीं बल्कि मेरे इस गांव के लोगों को दिया है, क्योंकि आज मेरे गांव के लोगों की जो मेहनत है उसी मेहनत के कारण इस गांव के लाडले को देश की सबसे बड़ी पार्टी ने हरियाणा में अहम जिम्मेदारी दी है और मैं पार्टी को भी विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी और हरियाणा का गौरव बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। देखिए, जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में है, आने वाले नगर निगम चुनाव मानेसर और गुरुग्राम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों निगम में बनेगी। पूरे देश में ना कोई विपक्ष है ना कोई विकल्प है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व केवल देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकारा है और चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या कोई अन्य यात्रा हो उसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना हरियाणा ना देश के किसी कोने में देखा गया। देश की जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के साथ और प्रदेश की जनता का विश्वास माननीय मनोहर जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी की पुनः नगर निगम में भी सरकार बनने वाली है। वहीं गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम चुनावों को लेकर भी मनीष यादव ने कहा कि जिस तरह से देश और प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं उससे तो साफ जाहिर होता है कि आने वाले मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में लोग भाजपा का ही साथ देंगे और सभी वार्डों में कमल का फूल खिलाएंगे। आपको बता दें कि मनीष यादव पिछले 5 साल हरियाणा बीजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी ने इनके काम और इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए मनीष यादव को हरियाणा संगठन में प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डार्क ग्राउंड न्यूज।